बिहार की पहचान छठ से है। छठ घाट पर किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं हो, इसके लिए पटना जिला प्रशासन और निगम ने कमर कस ली है। दीघा पुल घाट छठ को लेकर तैयारी यहां पर किया जा रहा है। घाटों पर नदी में बांस बलि से निशान भी बनाए गए हैं, जिसका अर्थ यह है कि छठ व्रती बांस बलि से बने बैरिकेडिंग से आगे नहीं बढ़े, जिसका जायजा लिया संवाददाता प्रीतम। आस्था के सबसे महान पर्व यानी छठ की हम बात कर रहे हैं। छठ की शुरुआत 5 तारीख से हो रही है। पहले दिन नहाय खाया है, 6 तारीख को खरना है, 7 तारीख को पहली अर्घ और 8 तारीख को दूसरी अर्घ है। यानी अब छठ का समय आने में, छठ होने में मुश्किल से 10 दिन का समय है। पटना जिला प्रशासन ने, पटना नगर निगम ने इसकी पूरी तैयारियां की हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं दीघा पाटीपुल घाट पर। बैरिकेडिंग की गई है, हालांकि ये भी आधी अधूरी बैरिकेडिंग है, यहाँ पे काम किया जाना बाकी है और यहाँ बांस बल्ले लगाए गए हैं। यानी सीधे तौर से जो भी छठवर्ती है वो इससे आगे नहीं जा पाएंगे। दीघा घाट जो है वो पटना के 80-90 घाट में सबसे लंबा और चौड़ा घाट है। लगातार पटना जिला प्रशासन और पटना नगर निगम अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है। जगह जगह वॉच टावर बनाए जा रहे हैं, बालू की बोरियां रखी जा रही हैं ताकि किसी तरह का कोई कटाव ना हो। अभी ये शुरुआती स्तर पे काम है और अभी पटना जिला प्रशासन और पटना नगर निगम के पास कम से कम अभी 7 से 8 दिन का वक्त बाकी है। तो